अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गवर्नमेंट जॉब्स जो कि अभी नई आई हैं और जो कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेंगी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। इसमें पहली जॉब्स जो आई हैं वो आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज में, जिसमें आपकी प्रोफेसर की जॉब आई है, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको पीएचडी होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में, अलाइड डिसिप्लिन्स में, और मेडिकल साइंसेज में हो सकता है आपकी पीएचडी अगर है, ठीक है। उसके बाद इसके आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फोरेंसिक मेडिसिन में और दूसरी मेडिसिन की फील्ड में, ठीक है, मेडिकल्स में फील्ड में। उसके बाद 15 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च और टीचिंग, ठीक है। उसके बाद 10 ईयर आपका पोस्ट PhD टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस भी होगा तो भी वो भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर की जॉब के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो जॉब्स हैं आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब है, जिसमें आपकी पीएचडी होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ रिलेटेड डिसिप्लिन्स में, 10 ईयर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर 5 ईयर आपका पोस्ट MPhil टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, और पब्लिकेशंस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की एक और जॉब है, जिसमें आपको PhD होना चाहिए, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, HUC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका MPhil भी चलेगा और इक्विवेलेंट डिग्री, और 18 ईयर ऑफ आपकी एजुकेशन अगर होगी, ठीक है, और HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की में ही होगी, और उसके बाद 4 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, और रेलिवेंट फील्ड में। और उसके बाद IT मैनेजर की एक जॉब आई है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए IT में या कंप्यूटर साइंस में या रेलिवेंट फील्ड में फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए आपके, और दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टू गेट दिस जॉब। अब ये जॉब हैं तो कंट्रेक्चुअल बेस्ड, लेकिन इनका 95% चांस है कि ये आपको परमानेंट कर देते हैं बाद में आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे। अब हम इस तरफ आएंगे कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपने कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, ठीक है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है www.hsa.edu.pk पे, ठीक है, और आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और वो सेंड करना है, सबमिट करना है, ठीक है। बाकी इनका नंबर भी गिवन है, आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और इन केस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी। 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, और ये 5 जॉब्स आई हैं और इनमें आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर आप अप्लाई करते हैं। बाकी आपको इसकी जॉब एड्रेस गिवन है जो कि इस्लामाबाद में है, ठीक है, और बाकी ये 4 पोजीशंस हैं आपकी। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका, तो आपकी वहाँ पे भी पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी जॉब्स आई हैं जो कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब आई है इस्लामाबाद में, और जिसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट आई हैं, ठीक है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको पोस्ट ऑफिस हो रही हैं वो हो रही है रिसर्च ऑफिसर की, डिप्टी डायरेक्टर उर्दू की, ठीक है, डेटा कंट्रोल ऑफिसर की, ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर की, रिसर्च एसोसिएट की, असिस्टेंट सिग्नल इंजीनियर की, ठीक है, जनरल स्टाफ ऑफिसर की, असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की, फीमेल लाइब्रेरियन की, डिप्टी डायरेक्टर FIA की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट मैनेजर पर्सोनल की, और दीगर जॉब्स हैं। ये 4 सितंबर को इशू हुई थी, और इनमें आपको ये वाली जो है आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, MBA, MSc हो सकता है, MCS हो सकता है, BBA हो सकता है, MS, मतलब हर फील्ड को इन्होंने कवर किया हुआ है। इसमें आप अप्लाई करें, लास्ट डेट जो इसकी है सितंबर 19, 2022 है, ठीक है, जो कि क्लोजिंग डेट होगी। इसका कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है, वो आप चेक करें, और उसी पे आपने अप्लाई करने का तरीका देखना है, और इसी तरीके से ऑथेंटिक तरीके से अप्लाई करना है। आपका एक चालान फॉर्म होगा, वो आप सबमिट करवाएंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, फॉर्म फिल करके।